हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, कमल ककड़ी के कबाब, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने कमल ककड़ी ली है, इसको लोटस स्टेम भी बोलते हैं, भिस भी बोलते हैं, नंदरू भी बोलते हैं, अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखिए ये इस तरीके की होती है। यहाँ मैंने इसको छील कर और उबाल लिया है। दो उबले हुए आलू लिए थे, इसे छील कर ग्रेट कर लिया है। दो प्याज चॉप कर ली है मैंने, प्याज ऑप्शनल है बिल्कुल। आधा चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च, सौंफ, नमक, अजवाइन और धनिया पाउडर, और ये हरा धनिया चॉप करके एक साइड रख लिया है। थोड़ी सी ब्रेड क्रम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये ब्रेड क्रम किस तरीके से बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। कमल ककड़ी के कबाब्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मेरे तो ये फेवरेट हैं। देखिए ये मैंने कमल ककड़ी को ऐसे ग्रेट कर लिया है, लेकिन इसमें मैंने कुछ पीसेस इस तरीके से छोड़ दिए हैं। जो हम कबाब बनाएंगे और खाएंगे तो ये जो पीसेस हैं ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरीके से थोड़े से पीसेस आप भी छोड़ दीजिएगा। अब हम इसमें उबले हुए आलू यूज़ करेंगे। जितनी हमारी कमल ककड़ी है बिल्कुल उतनी ही बराबर क्वांटिटी के हमने आलू लेने हैं। लाल मिर्च आधा चम्मच, सौंफ पाउडर ये भी हम आधा चम्मच डालेंगे, नमक आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, ये हमने यहाँ पर धनिया पत्ती ली हैं, और एक चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, और अब इसमें हम अपनी प्याज ऐड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है प्याज ऑप्शनल हैं, अगर आप खाते हैं तो डालिए वरना नहीं। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे, इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये कबाब्स खाने में। देखिएगा मेरा डो तैयार हो गया है, मैं इनको कबाब की शेप दे देती हूँ। हैंड्स पर ऑयल लगाकर आप इस तरीके से इनकी कबाब की शेप दे दीजिएगा और एक प्लेट में रख लीजिएगा। इस तरीके से अब हम इन कबाब्स पर अपना ब्रेड क्रम चारों तरफ इस पर कोट करेंगे। एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम निकाल कर इस तरीके से कोट करके रख लेंगे अपने कबाब्स पर। देखिए मैं एक और दिखा देती हूँ आपको करके, इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से कोट कीजिएगा, इससे ये कबाब्स और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। ये देखिएगा मैंने यहाँ पहले ही कुछ बना के रखे हुए हैं। ये देखिएगा आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कीजिए या शैलो फ्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको लेस ऑयल से, कम तेल से इन कबाब्स को बनाकर दिखा देती हूँ।
एक पैन में थोड़ा सा आप ऑयल ग्रीस कीजिएगा और अपने कबाब्स रख दीजिएगा। इन्हें अच्छे से हम अलट पलट कर दोनों तरफ से सेकेंगे और ये बस खाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया है। ऑयल हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और अपने कबाब्स इसमें फ्राई करेंगे। अलट पलट कर दोनों तरफ से हम कबाब सेकेंगे। इन कबाब्स को सिकने में अराउंड 3 से 4 मिनट लग जाएंगी। कि बहुत ही कुरकुरे कबाब बने होते हैं ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिएगा बनकर तैयार हैं। चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे टेस्टी कबाब बनकर तैयार हैं। थोड़ी सी कमल ककड़ी कट करके फ्राई करके इनके साथ खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।